न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन के दौरान बंद रही कपड़ा सराफा सहित अन्य दुकानों को भी रोस्टर के हिसाब से खोलने की जिलाधिकारी ने दी अनुमति, कहा गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर मंडल में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 110, 8 मरीजों की हो चुकी है मौत जबकि 40 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त ने दी जानकारी। बेलघाट कस्बे के पास एक बागीचे में 52 चमगादड़ों की मौत बनी चर्चा का विषय, DFO अविनाश कुमार ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। लॉकडाउन के दौरान GRP ने पेश की मिसाल, गोरखपुर जंक्शन पर पहुंची 230 और पूरे अनुभाग में 670 ट्रेनें, आए करीब 7 लाख से अधिक श्रमिक। SP रेलवे ने कहा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए मुस्तैद रही GRP, यात्रियों को नहीं होने पाई कोई दिक्कत, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया पूरा ध्यान। मंगलवार को जिले में कोरोना से हुई 5वीं मौत, 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि, संक्रमितों की संख्या हुई 60, 8 कोरोना संक्रमित ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। अब जिले में कोरोना एक्टिव केस 47, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। यूनिसेफ की UP हेड रूथ लियोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए किए जा रहे सैंपलिंग के संबंध में की चर्चा, कहा जाँच में लापरवाही क्षम्य नहीं। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना वायरस एवं रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मास्टर ट्रेनरों को दी गई कोरोना बचाव संबंधित जानकारी। मंडलायुक्त ने कहा COVID-19 से ना डरें, ना किसी को डराएं, सिर्फ रहे सतर्क। नगर विधायक डॉक्टर RMG अग्रवाल ने बुधवार से सभी तरह की दुकानें खोलने का किया विरोध, कहा कोरोना काल में उचित नहीं दुकानें खोलना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बात। मंडलायुक्त ने किया निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण, कहा बरसात के पूर्व कर ले सभी नाला नालियों का निर्माण कार्य पूरा। गोरखपुर में बुधवार से खुलेंगी सभी दुकानें, महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा रोटेशन प्रणाली पर जिलाधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी दुकानें। जिला चिकित्सालय परिसर में बने डॉक्टर और कर्मचारियों के आवास के पास लगे गंदगी के अंबार की खबर को गोरखपुर न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने लिया संज्ञान, परिसर का किया निरीक्षण, अविलंब अस्पताल को अतिक्रमण मुक्त बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर मंगलवार को 19,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, परिवहन निगम के बसों से उनके जिलों को किया गया रवाना। SP क्राइम एवं व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। और भीषण गर्मी का सीधा लोगों के शरीर पर पड़ने लगा है असर, गर्मी बढ़ते ही अस्पताल में मरीजों में बच्चों की संख्या में हुआ इजाफा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार गौरव ने कहा खान पान में बरतें विशेष सावधानियां।